इस बार थिएटर्स में जो तबाही मचने वाली है उससे कोई नहीं बचने वाला, क्योंकि जब टाइगर आएगा तो सबको एक तरफ से खा जाएगा। इसके ट्रेलर के आने के बाद फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है। इस क्रेज से ये बात साफ है कि जवान की तरह टाइगर भी कुछ तो कमाल करने ही वाला है। अब बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर देखने के बाद ये बात आप सभी को पता ही चल गई होगी कि ये लड़ाई देश के मिशन के लिए नहीं है, बल्कि एक पर्सनल लड़ाई है। इस बार टाइगर को कुछ ऐसा चैलेंज मिलने वाला है जो कि पिछले मिशन से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। टाइगर ने अपनी एजेंट लाइफ में बहुत सारे मिशंस को पूरा किया है। वो देश की रक्षा के लिए दशकों से लगा हुआ है, लेकिन आज तक ऐसी दुविधा में वो नहीं फंसा जिस दुविधा में वो फंसने वाला है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ वो किस दुविधा में फंसने वाला है। ट्रेलर में आपने देखा होगा कि इमरान हाशमी, जिसका नाम तक रिवील नहीं हुआ, उसका सिर्फ फेस रिवील हुआ है। ये भी पता नहीं चल पाया है कि मूवी में वो एक्चुअली है कौन। वो एक आतंकवादी संगठन का हिस्सा है, एक आम नागरिक है, या फिर कोई स्पाई एजेंट है। हो सकता है वो इनमें से कुछ भी हो, लेकिन इससे ये साफ है कि सबसे बड़ा खलनायक मूवी का वही है। तो मूवी में सबसे बड़ा खलनायक यानी इमरान हाशमी ट्रेलर में बता रहा है कि टाइगर ने उसका सब कुछ छीन लिया, उसका परिवार, उसकी दुनिया, उसकी खुशी, सब कुछ छीन लिया। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि टाइगर एक रॉ एजेंट है जो देश की रक्षा के लिए लड़ता रहा है। उसकी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं थी, वो जब भी लड़ा है देश के लिए लड़ा है। टाइगर YRF स्पाई यूनिवर्स के सबसे काबिल एजेंट्स में से एक है। जैसे पठान है, जैसे कबीर है, वैसे ही टाइगर। लेकिन ट्रेलर में इमरान हाशमी यानी मूवी का खलनायक बोल रहा है कि टाइगर ने उसका सब कुछ छीन लिया। तो ये हो सकता है कि टाइगर के किसी मिशन के दौरान कुछ सिविलियंस मारे गए हों। तो ये पॉसिबल है कि इमरान हाशमी, जो कि फिल्म का खलनायक है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे या उसकी फैमिली का कोई ऐसा सदस्य जो उसके लिए सब कुछ था, वो उन सिविलियंस के साथ ही मारा गया हो। या ऐसा भी हो सकता है कि टाइगर ने ही जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे इमरान हाशमी, जो कि खलनायक है, उसकी फैमिली मारी गई हो, और उस चीज का बदला वो टाइगर से पर्सनली ले रहा है। ये आदमी टाइगर से बदला ले रहा है, एक होनहार रॉ एजेंट से। तो इसका मतलब ये भी है कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि अब ये किसी बड़े टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो गया हो और वही ढेर सारी मुसीबतें टाइगर के लिए खड़ी करने वाला है। इस बार का चैलेंज टाइगर के लिए सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक है। वो इसलिए क्योंकि इस बार टाइगर को अपनी फैमिली यानी अपने बच्चे को भी बचाना है, अपनी आइडेंटिटी को भी बचाना है, जो कि टीजर में दिखाया गया था। उसे आतंकवादी और गद्दार बताकर उसकी तस्वीर को सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स के जरिए देश में हर जगह फैला दी गई है। यानी देश में अब हर जगह लोग टाइगर का फेस देख चुके हैं। इसका मतलब ये भी है कि टाइगर अब हर जगह खुलेआम नहीं घूम सकता। तो दूसरा चैलेंज ये है कि उसे अपनी पहचान भी बचानी है, अपनी आइडेंटिटी बचानी है, अपनी वफादारी साबित करनी है। इसलिए अब वो अपने मिशन के दौरान आम लोगों के बीच भेष बदल कर ही जा सकता है, जो कि हमें ट्रेलर में देखा भी है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज, इमरान हाशमी यानी फिल्म का खलनायक, वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इसका मतलब देश में वो किसी बड़े अटैक को अंजाम देने वाला है और उस अटैक को भी टाइगर को रोकना है। अब क्योंकि टाइगर गद्दार साबित हो चुका है, वो देश भर में बदनाम हो चुका है, इसलिए गवर्नमेंट भी उसकी कोई मदद नहीं करने वाली। तो इसका मतलब ये है कि टाइगर को अब कोई सरकारी मदद भी नहीं मिलने वाली। उसे जो भी करना होगा अकेले करना होगा या फिर किसी का सपोर्ट लेना होगा। ट्रेलर में हमें दिखा भी है कि टाइगर किसी से हेल्प मांग रहा है। टाइगर बोल भी रहा है आई नीड यू फॉर अ मिशन, रॉ के लिए नहीं, पर्सनल है। और यहाँ काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि पठान है जिससे टाइगर मदद मांग रहा है। तो इस मूवी में पठान का एक शानदार कैमियो भी होने वाला है 15 से 20 मिनट का। तो यहाँ आपको मूवी का एक मोटा मोटी अंदाजा तो मिल ही गया होगा। इसका CGI और VFX काफी शानदार तो है ही, इसके साथ ही इसका एक्शन जो कि ज्यादातर वाइड एंगल से लिया गया है, ये थिएटर्स में देखने में और भी ज्यादा गजब का लगने वाला है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि जब शाहरुख खान का कैमियो थिएटर्स में होगा और थिएटर्स में शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ही एक साथ थिएटर्स में फाइट करते दिखेंगे तो वो नज़ारा कैसा होगा।